वन बेल्ट वन रोड को लेकर लगातार चीन की मंशा पर सवाल उठते रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक ने भी चीन की इस महत्वाकांक्षी योजना पर निशाना साधा है। इन दोनों दिग्गज संस्थानों ने दुनिया भर की सरकारों को कर्ज की शर्तों को लेकर ज्यादा पारदर्शिता बरतने के लिए कहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने सरकारों से कहा है कि वो कर्ज पर ज्यादा निर्भर ना रहे। ये बात विकासशील देशों पर चीन के बढ़ते कर्ज के बाद ही कही गई है। इन संस्थानों का मानना है कि कर्ज का बढ़ता बोझ और चिंताजनक परिस्थितियां संकट के बीज बो सकते हैं। ये जो लोन्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, वो फाइनेंशियल वायबिलिटी के ऊपर जो है खड़े नहीं उतरते। आज हालात देखिए, वेनेजुएला जैसा देश बहुत बुरे हालात हो रहे हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज बहुत बुरे हालात हैं। तो फाइनेंशियल लॉजिक कई जगह पे फिट नहीं बैठ रहा है इस तरह के लोन्स पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे दिए जा रहे हैं। विश्व बैंक के नए प्रेसिडेंट डेविड मलपास ने चेतावनी दी है कि 17 अफ्रीकी देश पहले से ही कर्ज संकट का सामना कर रहे हैं और ऐसे देशों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मलपास का मानना है कि ये स्थिति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि कर्ज लेने और देने में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। IMF की मुखिया क्रिस्टीना लेगार्ड का कहना है कि कर्ज का स्तर और कर्जदाताओं की संख्या अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक नहीं है। ये भविष्य में किसी देश के कर्ज लेने की कोशिशों में रुकावट की वजह बन सकती है। विश्व बैंक और IMF दोनों कर्ज की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। ये डिमांड किया जा रहा है कि चाइना द्वारा दिए गए लोन्स में ट्रांसपेरेंसी हो, कितनी अमाउंट है, कौन सी टर्म है रीपेमेंट की, कब वो पैसा रीपे किया जाएगा। साथ ही साथ पेरिस क्लब और सिमिलर जो अरेंजमेंट्स हैं, क्या ये लोन उनको सब्सक्राइब करेंगे, ये भी पूछा जा रहा है। पेरिस क्लब का मतलब क्या है कि ये कन्वेंशन हैं कि अगर कोई देश समय पे लोन नहीं दे पाता है तो उसको कुछ समय दिया जाए, लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाए, लोन को थोड़ा सा डिले किया जाए, पोस्टपोन किया जाए। इन दोनों संस्थाओं ने कोई मिसाल तो अपनी चेतावनी के साथ जारी नहीं की है, लेकिन श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को कर्ज के बदले 99 साल के लिए लीज पर लेने की चीन की कार्रवाई ने उसकी मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके पहले कंबोडिया में भी हाईवे बनाने के लिए दिए गए लोन की वजह से संकट आने की आशंका जताई जा चुकी है। इन्हीं सब आशंकाओं के बाद पाकिस्तान समेत चीन से कर्ज हासिल करने वाले देशों को आगाह करने की कोशिश वर्ल्ड बैंक और IMF ने की है। अब देखना यही है कि क्या देश इस चेतावनी को समझकर चीन के कर्ज से अपनी निर्भरता को कम करेंगे या उसके जाल में फंसते चले जाएंगे।